कहते हैं जब रथ यात्रा गोरखनाथ के सामने से निकली तो उन्हें उठकर गुरु मच्छंद्र की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। उधर से गुरु गोरखनाथ मूर्ति को आदेश करते हैं, इधर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। नेपाल के राजा महेंद्र देव ने गुरु गोरख के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना की। अब गोरखनाथ क्षमा करके वहां से चल तो पड़ते हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें फिर खबर मिली कि नेपाल का राजा अब फिर अत्याचार करने लगा है, तो गुरु गोरखनाथ उसे राज छीनने का और गद्दी से उतारने का संकल्प लेते हैं और अपने मन में क्या विचार करते हैं। ओ गुरु गोरखन मन में विचारी क्यों भूप बना अतारी। ओ गुरु गोरखन मन में विचारी क्यों भूप बना अतारी। ओ युवराज खसन की तारी क्यों भूप बना अतारी। पूत बराबर राजन पर जा पूत बराबर राजन पर जा। राजा का भगवन के सदर जा राजा का भगवन के सदर जा। बताइए सठी कगवारी तू भूप बना अतारी। ओ गुरु गोरखन मन में विचारी ओयो भूप बना अतारी। ओ युवराज खसन की तारी क्यों भूप बना अतारी। समझाया था ना या कल लागी समझाया था ना या कल लागी। नीत बदी की कोना चागी नीत बदी की कोना चागी। ओ लागी न पर जा प्यारी ओ क्यों भूप बना अतारी। ओ गुरु गोरख न मन में विचारी ओ यो भूप बना अतारी। ओ युवराज खुशन की प्यारी ओ यो भूप बना अतारी। माफी के बोल कह न दूंगा माफी के बोल कह न दूंगा। गद्दी ऊपर रहने न दूंगा गद्दी ऊपर रहने न दूंगा। ओह घमंड चूर करु भारी ओ क्यों भूप बना अतारी। ओ गुरु गोरखन मन में विचारी ओ यो भूप बना अतारी। ओ युवराज खुशन की तारी ओ यो भूप बना अतारी। केत कमल संग आप संभल जा केत कमल संग आप संभल जा। नहीं तो इनका गाँव रल जा नहीं तो इनका गाँव रल जा। अकल बना दे धारी क्यों भूप बना अतारी। ओ गुरु गोरखन मन में विचारी ओ यो भूप होया अतारी। ओ युवराज खसन की तारी ओ यो भूप बना अतारी।